सोमवार को राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष अपना पहला भाषण दिया, जहां उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं, जिसे आज भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंठे ने राहुल गांधी की बात दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ कहा है कि भाजपा मोदी या फडणवीस से हिंदू नहीं, सच्चा हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता। साथ ही लोंठे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुधारने की नसीहत दी है। राहुल गांधीजींनी स्पष्टपणे म्हटलं, भाजप म्हणजे हिंदू नाही, नरेंद्र मोदी म्हणजेच हिंदू नाही आणि देवेंद्र फडणवीस तुम्ही म्हणजे सुद्धा हिंदू नाही। त्यांनी सांगितलं, जो खरा हिंदू आहे तो हिंसा करत नाही, तो द्वेष पसरवत नाही। आता तुम्हाला जितके चिमटे झोमले, ज्या पद्धतीने राहुल गांधीजींनी तुम्हाला एक्सपोज केलं, ज्या पद्धतीने प्रभू रामचंद्रांनी तुम्हाला स्वतः एक्सपोज केलं, सगळ्याच जागेवर हरवलं आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही अयोध्येमध्ये केलं त्याची शिक्षा तुम्हाला भेटत आहे। त्यामुळे देवेंद्रजी खोटं बोलू नका, द्वेष करू नका, आता तरी सुधरा। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर, फिशर, भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।